हे सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं निशु ससुराल गेंदा फूल हाजिर है अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो आज है भाई दूज, तो सबको पहले हैप्पी भाई दूज। और मैं उठ गई थी 5 बजे और मैंने सफाई वगैरह भी कर ली है, मतलब बाहर का पूरा एरिया कंप्लीट हो गया सफाई करने के बाद। सिर्फ ये क्या कहते हैं बेडरूम रह गया, तो वो मुझे क्लीन करना है। और साथ में ही भैया भाभी मतलब आज घर पे आएंगे, मैं नहीं जा रही हूँ, मतलब अपने मायके नहीं जा रही हूँ, वही लोग आएंगे दोज कराने के लिए। तो बहुत सारे काम हैं, तो क्योंकि जब उन लोगों से बात हुई थी तो उन लोगों ने यही बोला था कि 9-10 बजे तक मैं भी वो लोग आ जाएंगे, तो 9-10 बजे तक आएंगे। अभी तो खैर कहते हैं 5:30 हुए हैं, तो मैंने कहा सारे काम निपटा लेती हूँ, तैयारी हो जाती है ना तो ठीक लगता है। तो चलो फिर आप लोगों को भी उनसे मिलवाती हूँ और इनको भी जगाना है, तो चलो चलते हैं। यही सो पूजा मेरी हो गई है और मैं फ्रेश होकर रेडी भी हो गई हूँ, और इनको भी मैंने उठा दिया पीछे आयरन कर रहे हैं कपड़े। हाँ जी सो इनको उठाने के बाद मैंने इनसे बोल दिया था कि आप आलू रख देना, बिकॉज आज मैं सोच रही हूँ भैया भाभी आएंगे तो आलू की कचौड़ी बना लेती हूँ। तो आप अभी नाश्ता करेंगे बाद में? तो थोड़ा बहुत देखते हैं खा लेंगे, नहीं तो वेट ही कर लेंगे। और जो हमने कल गोवर्धन की पूजा करी थी ना, तो मैंने वो गोवर्धन जी अभी वहाँ से हटाए नहीं हैं, जस्ट बिकॉज भाभी से कल मेरी बात हो रही थी तो भाभी से मैंने पूछा। एक्चुअली वो भी बनाते हैं, तो किसी ना किसी रीज़न से, मतलब जो भी रीज़न रहा होगा, वो नहीं बना पाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने अपने घर पर जो बनाया वहाँ पूजा कर लेना। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहे गोवर्धन जी महाराज जी। सो बस अब उन्हीं का ही वेट हो रहा है। मैंने चटनी भी बना ली है, ये रही हरी चटनी, बाकी सब कुछ मतलब तैयार रखी है, बस उनके आने का वेट है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे गोवर्धन महाराज जी के। जय हो, जय गोवर्धन महाराज की जय। तो चलो आप जल्दी से आयरन कर लो कपड़े, फिर नाश्ता कर लेते थोड़ा बहुत, हम भी थोड़ा बहुत फिर खा लेते हैं, फिर वो आ जाएंगे तो फिर भाई दोज मनाएंगे। ठीक है, मैं सोच रही हूँ इनके लिए मैं नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से रहा है, मेरा क्या मतलब हम तीनों सिस्टर्स का स्टार्टिंग से ही रहा है, जब तक हम भाई दूज ना कर ले या रक्षाबंधन हो, जब तक हम राखी ना बांध ले, हम कुछ खाते नहीं हैं। तो वेट कर रही हूँ मैं इसीलिए, बट इनके लिए बना देती हूँ जब तक ये खा लेंगे, फिर जब भैया भाभी आ जाएंगे फिर मतलब दूज करने के बाद हम लोग भी खा लेंगे। ठीक है मैडम जी, फोन आ गया है और भैया भाभी रास्ते में बस पहुंचने ही वाले होंगे। कचौड़ी शुरू हो गई है, चाय रख दी, और सबसे बड़ी बात आज इन्हें न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है, वो मैच भी शुरू हो गया और मेरा देखना बहुत जरूरी है। भैया भाभी भी आ गए हैं और एक चीज प्रेज देखो, ये शॉट अगेन चल रहा है, बढ़िया मैच चल रहा है। मैंने कहा ले आओ उनको जाकर नीचे से आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे एक्टिंग के, जाओ चलो। तो अभी ये नीचे जा रहे हैं लेने के लिए, जाओ। वाले भी आ गए फाइनली। देखो कौन है, क्या हुआ है, हाय हाय करो, क्यारू भी आ गई है, बिल्कुल जाओ जाओ बोली आ गए हो। हेलो, नेल लगाते रहिए अपने गाल पे। राम 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 सारे ने, सारे भाइयों ने, सारे भाइयों ने जाओ जाओ, देखो फिश, देखो फिश, देखो चलो आओ, चलो चलो आगे, कहाँ है फिशी, कहाँ है ये देखो। अच्छा प्लेयर है डेविड बेकहम, वो भी आया हुआ मैच देखने के लिए।
श्वेता मान जाओ भाई, मान जाओ, ये परेशान हो रही है, परेशान मत करो। सुनील छेत्री, सुनील छेत्री तो इंडिया का है ना, डेविड बेकहम दूसरी टीम का भाई। क्यारू ही नहीं कर क्या ही यहाँ पर बुई के चक्कर में, क्यारू करेगी यहाँ पे दौज अब दर्शु भी पहले। ऐसी हाथ मारेगी दूसरी भी खा गई क्या ये भी खाएगी क्या? ये ले, अब ले ले, अब ले ले, और तुम पैसे ले लो, ये ले, क्या ले लो, क्या ये क्या चीज है? पैसे ले, ओ मनी पापा को दे रही है पैसे। ओ पापा को ले, पापा के पैसे पापा को दे दिया। शुक्र पता नहीं है क्या? अरे आप बताता हूँ आपको बाद में। मम्मी कह रही दिखाऊंगी ही नहीं, सरप्राइज खराब हो जाएगा। सरप्राइज अब ऐसे एक और सरप्राइज मिलेगा, वो आया ही नहीं गिफ्ट। नहीं नीम अच्छा, नहीं इसके पीछे का जोक शूट ही नहीं हुआ है। ओ भाई अब बस 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 अमरी वाह वाह लगा रही दर्शा गई ले थे। वैसे भैया बोले नहीं सुनी के दर्श बोल रही क्या रही तेरी तो दिया उधर है हैं? खाली थाली से कर रहे हो? नहीं आप ठीक है ना। ये क्या कर रही है भंगड़ा पाले? बोला कि पकड़ाओ भाभी। बच्चों के लिए भी हाँ, दर्शु दीदी तो बड़े पैसे लग गए, पता मिश्री के साथ भाई वो भी देख रही है उधर, उसको भी कुछ खिला दो। आपको मैं ये खिलाती हूँ, आप ये खाओ। क्या क्या खाओ? आप चीजी खाओ। हेलो बिल्कुल थैंक यू।
ये और ये आओ विराट कोहली इनको भगाना पड़ेगा नेगेटिविटी फैलाते हुए मछली अरे वो लाइट अब एकदम से बंद हो गई थी ना तो ऑन हो गई है इस वजह से मछरियां इसलिए उछर रही हैं क्या रहा ये न्यू ड्रेस बोलना बोलो न्यू ड्रेस टेंशन मत ले भाई दोनों साथ तेरे घर ही जाएंगे वहां ले लियो पेटीएम डाल देंगे भैया को बुलवा दूंगी खेल लियो ठीक है पोषण तो खा ही रहा है अपने पैसे अलग कर ले जेब में डाल दे जेब में डाल दे YouTube है ना एक हिस्ट्री सी बन रही है सही है नहीं तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो देखेंगे जब ये क्यारा बड़ी हो जाएगी तब देखेगी मैं ऐसे पुत्तू सी बोल रही हूँ भाग गई भाग गई परसों व्लॉग चैनल चालू कर रहा हूँ अच्छा चाहे उसमें है ना केतली में वो ले चलो सीधा सर किसे हाथ में पिलाऊं बाबू वो तो दो अब लेके जाओ ना यहाँ क्या बातें हो रही है गुपचुप गुपचुप क्या यू आप क्या कर रहे हो यहाँ अंधेरे में फिशी देख रहे हो ओके देख लो भाव जी मैच कैसा लग रहा है भाई साहब बातें खाते हमारी हो गई बढ़िया तरीके से हमने टाइम स्पेंड किया बहुत अच्छा लगा मैच भी देखा पूरा और पूरा मैच और स्कोर कितना है 398 का टारगेट है लेट्स सी वैसे भी हमारी इंडिया ही जीतेगी डोंट वरी हमेशा भाभी जा रही है तो चलो अब भाभी जा रही है जाने की श्वेता जी हो गए तैयार गोला खा लिया सुमित भी जीतेगा ये ओ अब तो मैडम भी जा रही है श्वेता दिखाइए तू अपनी बॉडी दिखाइयो हाँ नहीं तो बस टाइम का पता ही नहीं चला कैसे टाइम मतलब सब अच्छे हो गए पता ही नहीं चला बहुत अच्छा लगा बहुत टाइम बाद हमने ऐसे टाइम स्पेंड किया बातें शाते की मजा आ गया क्या डायपर लेके घूम रही है कहाँ जा रही हो आप घर फूफा कहाँ है आपके फूफा बिंदला लगा रखी है हाँ फूफा कहाँ है फूफा बिंदला में जाती है हाँ चल बाय कर दो भाई बाय बाय क्या ले लिया वो हाँ मैं भी आ रहा हूँ बाबू आ रहा हूँ मैं भी बाय 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 फोन कर देना घर पहुंच के